नमस्कार, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। महिला T20 विश्व कप का आगाज हो चुका है और भारत ने पहले ही मैच में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में मिली इस जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ICC महिला T20 विश्व कप में सोमवार को अपने दूसरे ग्रुप मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी और उसका लक्ष्य अपना विजय अभियान जारी रखना होगा। लेकिन रोमांच की बात यह है कि भारत के पहले मैच में जीत का श्रेय चंडीगढ़ को भी जाता है, जहां MCM कॉलेज में पढ़ी और सेक्टर 38 में रहने वाली तानिया भाटिया का अहम रोल है, जिन्होंने दुनिया भर में चंडीगढ़ के साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। तानिया T20 महिला विश्व कप में भारतीय टीम की तरफ से बतौर विकेट कीपर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इन्होंने विश्व कप के पहले मैच में 4 बल्लेबाजों को विकेट के पीछे कैच आउट कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी और तानिया भाटिया के इस धमाकेदार परफॉर्मेंस की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हरा दिया। इसी संदर्भ में अर्थ प्रकाश संवाददाता स्पाइकी पूजा ने तानिया भाटिया के परिवार वालों से बातचीत की। चलिए देखते हैं तानिया के परिवार वालों ने उनके क्रिकेट करियर के बारे में क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं स्पाइकी पूजा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आज हमारे साथ चंडीगढ़ की शान तानिया भाटिया के माता पिताजी हैं और साथ में उनके भाई बहन हैं, और हम जानते हैं तानिया जी के बारे में कि उनका सफर, डेब्यू और कैसे रहा है। तानिया जब 7 साल की थी तब से उसका मतलब कि प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया था, तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि एक लड़की को इतने मतलब कि अभी क्रिकेट खिला रहे हो, ये उसके बस का नहीं है, ये वो है, कई क्रिटिसिज्म आए। लेकिन मेरे को पता उस वक्त क्रिकेट इतनी लाइमलाइट में नहीं थी जितनी अब हो गई है। अब BCCI के अंडर है, कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मेरे को पता था कि आने वाले टाइम में ये अच्छा BCCI का अच्छा रहेगा वुमेंस के लिए, और मैंने इसमें कंटिन्यूशन रखा। तो सर, तानिया जी का सपना था बचपन से कि वो क्रिकेटर ही बने? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं भी क्रिकेटर रहा हूँ, तो एक दिन इसको मैं ग्राउंड में लेके गया हुआ था वैसे ही घूमने के लिए, तो ये छोटे बच्चों के साथ बाहर ग्राउंड के बाहर खेल रहे थे 3-4 बच्चे, तो मैंने देखा इसको बैटिंग करते हुए, तो मेरे को लगा कि इसमें है टैलेंट लग रहा है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा आधा घंटा मैंने खिलाया, तो मेरे को लगा नहीं ये कर सकती है। इमीडिएटली मैंने इसको अकेडमी में डाल दिया 2-4 दिन बाद ही। पहले सेक्टर 37 में जाती रही है, मैंने थोड़ी देर 6-7 महीने में मैंने ट्राई किया, मैंने कहा थोड़ा हो जाएगी ठीक, उसके बाद फिर इसको मेन अकेडमी में डालते हैं। तो एक साल के बाद पूरा एग्जैक्टली सेक्टर 8 में DAV स्कूल, मैंने वहाँ इसको शिफ्ट कर दिया। सर, तानिया जी कितने उम्र के थे जब उन्होंने मतलब खेलना स्टार्ट किया था क्रिकेट? 7 ईयर की थी, 7 ईयर से स्टार्ट कर दिया था उसने। तो आपका सपना था कि जैसे क्रिकेट प्लेयर बनने का, और तान्या जी ने इतने बड़े लेवल का इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो आपका सपना उन्होंने पूरा किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आई फील वेरी प्राउड कि जो मैं कमी मेरे में रह गई थी, हम भी खेलना चाहते थे आगे, लेकिन उस वक्त कुछ सरकमस्टांसिस ऐसे थे, कोई प्रॉब्लम ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह लीजिए, कई चीज़ें, और सपोर्टिव नहीं था, पेरेंट्स ने सपोर्ट की लेकिन इतनी नहीं कर पाए वो, और फिर भी हमने सोचा चलो अब हमने अब जो हमें हमारे में कमी रह गई वो आगे पूरी की जाए। तभी मैंने वो सोच के जिस दिन मैंने उसको देखा तो मैंने उस दिन ही डिसाइड कर लिया था कि इसको बच्चे को आगे तक लेके जाना है। सर, तान्या जी मतलब स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छे ही खेल रहे हैं, और स्टडी में कैसे हैं वो? स्टडी में भी वो नेचुरल है, हाँ, अपने आप ही वो ज़्यादा उसको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, जैसे उसकी सिस्टर रहती है वो उसको पढ़ के सुनाती रहती है कि वो बस बुक उसको पढ़ के सुना देती है कि वो सारा समझ लेती है, तो उसके हिसाब से पेपर ऊपर दे आती है। अच्छा, सारे वैसे कहते हैं कि ना जो डॉक्टर्स होते हैं वो पापा की प्रिंसेस होती है, तो क्या ये सही बात है कि जो तान्या जी हैं वो पापा की प्रिंसेस हैं? प्रिंसेस तो हैं, लेकिन हमारा थोड़ा इंट्रैक्शन कम रहता है मम्मी के साथ ज़्यादा उसका, क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर रहा 8-10 साल, में मेरी ड्यूटी भी बाहर थी, तो मदर के साथ मदर उसको लेके आती जाती रही है, मतलब कि उसने कभी भी मिस नहीं किया ना, प्रैक्टिस सेशन कभी भी मिस नहीं किया, चाहे वो जो मर्जी हो। तो स्टडी के दौरान और मतलब स्पोर्ट्स में भी और स्टडी में, तो वो कैसे हैंडल कर पाते थे ये दोनों चीज़ों को? जैसे है ना, प्रैक्टिस जैसे स्कूल गए सुबह, स्कूल से आए 2:30 बजे, उसके बाद खाना है, उसके बाद फिर 3 बजे प्रैक्टिस स्टेडियम, वहाँ से प्रैक्टिस करके आना 6:30-7 बजे वापस आना है, और उसने आने के बाद कपड़े चेंज करने हैं, दूध पीना है, और उसके बाद पहले अपना काम कर लेना, स्कूल का काम इसको बड़ा
अंदर से ही था कि नहीं स्टडी भी साथ साथ करती रहना, तो जब तक काम ख़त्म नहीं कर लेना इसने, रात को एक दो घंटे पढ़ती थी, तो फिर उसके बाद फिर शाम को फिर एक आध घंटा टीवी देख लिया, तो बस यही रूटीन रहा इसका। सर, सूत्रों के अनुसार ये था कि तान्या जी 2 साल डिप्रेशन में रहे हैं काफ़ी, तो उसकी क्या वजह थी कि वो डिप्रेशन में थी? उसमें कई फैक्टर्स रहते हैं बीच में, बच्चा कई बार जैसे अभी सारी क्रिकेट खेल ली, पीक तक चले गए, उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, परफॉर्मेंस की लेकिन उसके बाद नहीं आपको चूज़ नहीं किया, है ना, टीम में नहीं लिया, तो थोड़ा ड्रॉबैक रहता है उसमें। तो 2 साल मतलब इसको मतलब काफ़ी मतलब इसने क्रिकेट तक छोड़ने तक का फैसला कर लिया था, जब 2 साल इसको नहीं सेलेक्ट किया गया कुछ भी टीम में, सिर्फ पंजाब से खेलते, ना जोन में ना चैलेंजर ट्रॉफी में, तो फिर 2 साल इसने सोचा कि मैं खेलना बंद कर दूँ। बड़ा इसको हमने मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, इतना लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं, तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में, तो उसको हमने कोई बात नहीं, आप आज नहीं तो आपका टाइम तो आना ही आना है। तो फिर इसने खुद, क्योंकि प्लेयर कोई भी है उसको जब तक उसके अंदर से आवाज़ नहीं आती, अपना सेल्फ मोटिवेशन नहीं होती, तो तब तक कुछ नहीं करता। तो फिर इसको काफ़ी समझाया मम्मी ने मैंने, तो फिर इसको थोड़ा समझ आया, तो फिर इसने खुद ही अपने आप ही, हमने हमारे कहने के बिना इसने फिर वर्कआउट इतने शुरू किए, और 6-7 महीने बाद इसको जनवरी में 2018 में इसका साउथ अफ्रीका टूर के लिए इसका सिलेक्शन हो गया। सर, जैसे आपके भाई थे वो भी क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं, आप भी क्रिकेट प्लेयर हैं, आपका छोटा लड़का भी क्रिकेट प्लेयर है और तान्या जी भी, लेकिन आपकी बड़ी बेटी क्रिकेट प्लेयर क्यों नहीं है? बड़ी बेटी थोड़ी सॉफ्ट नेचर की थी, सुबह सॉफ्ट, है ना, बड़े प्यार से पली हुई है, जैसे कह लो आप, है ना, पहला बच्चा प्यार से पला, नानी की फेवरेट, सबकी फेवरेट, तो इसको ज़्यादा ना ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं रखा इसको, है ना। तो बाकी तान्या शुरू से ही रफ एंड टफ रही है, और बेटा भी, ये भी शुरू से ही, तो इसीलिए वो रह गई, इसको चांस तो दिया था हमने खेलने के लिए, लेकिन थोड़ा कर नहीं पाई वो। तो वैसे अभी इनको फील नहीं होता होगा कि नहीं मेरी बहन करे तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मेरे मतलब पूरे फैमिली में ही सारे क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं तो मैं भी ट्राई करूँ? हर जैसे बच्चे अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग सिस्टम है, हर एक नहीं प्लेयर बन पाता है ना, तो वो जैसे पढ़ाई में अच्छी थी, फिर जब उसको लगा कि मैं नहीं खेल पाऊँगी तो पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट होगी, तो फिर पढ़ाई अभी वो लॉ ग्रेजुएट है वो अभी, हाँ अभी वो चल पड़ी, फिर वो पढ़ाई की तरफ चल पड़ी है। मैम, जैसे आपके सिस्टर आते हैं जब यहाँ पे, तो आपको भी फीलिंग आती है जैसे आपके भाई को फीलिंग आती है कि यार फोटोज वगैरह खिंचवाने, तो आपको भी ऐसा होता है बाहर दोस्त वगैरह बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, मेरे ऑफिस में भी अब जैसे हैं तो वो भी बोलते रहते हैं कि मैम जब वो आएगी हम उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे, एक बारी एक मौका मिल जाए, तो मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई तुम्हारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो वही हो जाती है कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं थोड़ी वैसे भी थोड़ा पेट्रियोटिक सी हूँ, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ यार शी इज़ प्लेइंग फॉर इंडिया, ये वो। बाकी अच्छा, आप वैसे जैसे होता है ना कि गर्ल्स का यार मतलब सिस्टर का तो अलग ही एक यूनियन सी हो जाती है कि यार लड़कियों का तो होता ही है, तो आपका उनके साथ कैसा बिहेवियर रहा है? मेरा उसके साथ, वो मेरे साथ शुरू से ही बहुत क्लोज रही है, पहले तो वो इतना शुरू में नहीं शेयर करती थी, बट बाद में मतलब जैसे ही थोड़ा शी स्टार्टेड ग्रोइंग अप, तो वो मेरे साथ शेयर करने लग गई, सारा कुछ मेरे साथ शेयर करती है, मुझे बताती है, तो मैंने भी उसको काफ़ी मोटिवेट किया, लो हो जाती है तो मैं ही उसको कॉल करके बोलती हूँ, या मैं उसको टेक्स्ट कर देती हूँ, कोई मैच में नहीं अच्छा परफॉर्म करती तो मैं उसको उस टाइम पे मैसेज कर देती हूँ कि नहीं भाई बहुत बढ़िया खेला है तूने, आज भी खेला है, नेक्स्ट भी बहुत इससे ज़्यादा बढ़िया होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अच्छा, वैसे देखा जाए ना, बोलते हैं कि ना सिस्टर तो चलो सिस्टर का हो गया, लेकिन कई बार होता है जैसे वो अब इतने बड़े पर्सनैलिटी बन गए, क्रिकेटर बन गए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब ये होता है कि जैसे वो बिजी रहते हैं तो आप बोलते हो कि नहीं यार मिलना है, तो उसको आप कैसे, वो आपको टाइम दे पाते हैं, फैमिली को वो कैसे टाइम दे पाते हैं तान्या जी? वो जब घर आ जाती है फिर वो फैमिली के लिए है, मतलब वो कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मतलब कोई बहुत बड़ा, बट हाँ जब वो आती है तो वैसे फील होते हैं यार हमारा चैम्पियन आ गया, घर का चैम्पियन आ गया, बट वैसे घर पे वो नॉर्मली रहती है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जैसे वो थी शुरू से, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल वैसी है घर पे, बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब कोई चेंज। सर, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर जैसे कहा जाता है कि लड़कियों को ना, ये तो इंडिया का ट्रेंड बन चुका था कि नहीं यार लड़कियों का क्रिकेट में, मतलब स्पोर्ट्स की तरफ तो उनका ध्यान होता ही था कि नहीं यार सिर्फ लड़के चलो खेल लिया, लेकिन इतना क्रेज नहीं होता था, तो लड़कियों के पीछे कुरीतियाँ बड़ी होती थी, तो क्या तान्या जी के लाइफ में भी ऐसे कई लोग आए जिन्होंने उन्हें रोकना चाहा कि नहीं लड़की है नहीं खेलने देना इसको, और ऐसे कई बार ऐसा भी होता है कि बोलते कि नहीं यार लड़की बाहर खेलेगी काली हो जाएगी शादी नहीं हो पाएगी इसकी, तो ऐसा कुछ हुआ? फैमिली ने सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया उसके नाना की तरफ से,
क्रिटिसाइज़ किया कि कहाँ बच्चों को डाले, लड़कियों को ऐसे कहाँ ना, वही जैसे आपने बोला शादी कौन करेगा इनसे, ये वो है ना, कैसे होगा। तो लेकिन जब तक हम लड़कियों को फ्री माइंड नहीं छोड़ेंगे, फ्री छोड़ेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे बच्चे। लड़कियाँ आज, लड़के लड़कियाँ सब बराबर हैं आजकल, तो जब तक चांस नहीं बच्चों को, लड़कियों को मिलेगा तो आगे कैसे। फ्रीडम सबसे बड़ी बात है, फ्रीडम दोगे तो देखो लड़कियाँ हमेशा एक्सेल करती हैं लड़कों से ज़्यादा। तो मैं जो भी अभी पेरेंट्स भी हैं उन मेरे को, मैं उनको एक मैसेज दूंगा कि लड़कियों को फ्री हैंड दो थोड़ा, मतलब चेक भी रखो फ्री हैंड भी दो, फ्री हैंड बहुत जरूरी होता है। बच्चों पर विश्वास रखो थोड़ा, उनको चलने दो, जितना उनको फ्री हैंड देंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो सर जैसे आपको पूरा एक ट्रेंड ही चलते हुए आ रहा है, आपके भाई, आप और आपके लड़की तानिया जी और आपका बेटा मतलब क्रिकेट में ही है, तो क्या आप तानिया जी की शादी भी क्रिकेटर से ही करेंगे? देखो वो अब उसका डिसीजन है। अगर देखो मैं ये नहीं कहता हूँ, यहाँ पहुँचने तक बहुत मेहनत लगी है, अगर इस स्टेज पे पहुँचे हैं तो अब उसका डिसीजन है। अभी पहली, सबसे पहली बात तो उसको क्रिकेट पे फोकस करना, अभी अभी ना ना करते भी 8-10 साल तो ये सोच भी नहीं सकते, है ना। फिर उसके बाद उसका डिसीजन है जहाँ करना चाहे। तो सारे कोशिश करते हैं कि अगर सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी से शादी हो, जैसे विराट कोहली है तो अनुष्का शर्मा है तो सेलिब्रिटी हैं, तो एक स्टेटस सिंबल हो जाता है ना, तो हम भी चाहते हैं कि बड़े घर में ही हो शादी। तो आज हमारे साथ थे तानिया जी के माता पिता जी और उनके भाई बहन, जिनसे हमने पूछा तानिया जी के सफ़र के बारे में, उनके डेब्यू के बारे में और उनका जीवन कैसे रहा है, जीवन उन्होंने कैसे व्यतीत किया है अपने परिवार के साथ। कैमरामैन राहुल तिवारी के साथ स्पाइकी पूजा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।